चलिए आज हम यात्रा साहित्य के बारे में बात करते हैं। आप सबको मेरे YouTube चैनल क्वेश्चन पेपर में स्वागत है। यात्रा साहित्य, इसके बारे में देखेंगे। मैं कल एक वीडियो बनाया था यात्रा साहित्य के ऊपर। आज देखेंगे यात्रा साहित्य कैसे आया है, उसका इतिहास क्या है, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य आदिकाल से यात्राएं करता आ रहा है। मनुष्य जब से समझ में आया तब से यात्राएं करते आ रहा है। निश्चित ही इन यात्रा वृत्तांतों को वह अपने संपर्क में आने वाले जिज्ञासु को सुनाता भी आ रहा है, किंतु भारतीय साहित्य में इन तत् वृत्तांतों को लिपिबद्ध करने की परंपरा लक्षित नहीं होती। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लेख लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। भारतेंदु ने सरयूपुर की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षक से इन वृत्तांतों का बड़ा रोचक और सजीव वर्णन किया है। आलोचकों ने इन वृत्तांतों को निबंध विधा के अंतर्गत ही समाविष्ट कर लिया है। उस समय यात्रा साहित्य के रूप में गद्य की स्वतंत्रता विधा मान्य नहीं थी। भारतेंदु के बाद यात्रा वृत्तांतों के पुस्तककार प्रकाशन की अखंड परंपरा लक्षित होती है। इन रचनाओं में पंडित दामोदर शास्त्री कृत मेरी पूर्व दिग्ध्यात्रा 1885 ईस्वी, देवी प्रसाद खत्री कृत रामेश्वर यात्रा 1893 और बद्री काश्रम यात्रा 1902। इसके बाद शिव प्रसाद गुप्तकृत पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914, स्वामी सत्यदेव परिवारजक कृत मेरी कैलाश यात्रा 1915 और मेरी जर्मन यात्रा 1926, पंडित कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कृत हमारी जापान यात्रा 1931 और पंडित रामनारायण मिश्र कृत यूरोप यात्रा में 6 मास 1932 आदि यात्रा वृत्त उल्लेखनीय है। इन यात्रा वृत्तांतों के द्वारा हिंदी प्रदेश में निवास करने वाले विशाल मानव समुदाय के क्रमशः विकसित होते हुए मानसिक क्षितिज की सूचना मिलती है। मध्यकालीन संस्कारों से प्रभावित भारतीय पंडित मंडली समुद्र पार की यात्राओं का विरोध करती रही। इन संस्कारों से मुक्त होकर जिन विद्वानों ने यायावरों और प्रजावाचकों ने यूरोप तथा अन्य पाश्चात्य देशों की यात्राएं की, वे निश्चित ही नए भारत की रचना करने वाले उदार और कर्मठ व्यक्ति थे। हिंदी प्रदेश में शिक्षा के विकास और अखिल भारतीय स्तर पर यातायात के साधनों की वृद्धि के साथ यात्रा के प्रति लोगों की रुझान बढ़ती गई। हिंदी के साहित्यकारों में कुछ जन्मजात सैलानी प्रवृत्ति के यायावर सामने आए। महापंडित राहुल संस्कृतन, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल अज्ञेय, डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन और आनंद कौशल्य, प्रभाकर माचवे, राजवल्लभ झा आदि अनेक साहित्यकार यात्रा प्रेमी रहे। इन साहित्यकारों ने हिंदी के यात्रा साहित्य की वृद्धि श्रद्धि की है। राहुल संस्कृत मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में
1948 और रूस में 25 मार्च 1952 ईस्वी। श्री रामक्ष बेनीपुरी कृत पैरों में पंख बांध कर 1952 और उड़ते चलो 1954 यशपाल कृत हाल की लोह की दीवार के दोनों ओर 1953 अज्ञकृत अरे यह और याद 1953 ईस्वी और एक बूंद सहसा उछली 1960 डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय कृत कलकत्ता से 1955 और सागर लहरों के आर पार 1959 रामधारी सिंह दिनकर कृत वदशा 1957 प्रभाकर माचवे कृत गोरी नजर में हम 1962 यात्रा महत्वपूर्ण यात्रा का महत्वपूर्ण कृतियां है। प्रवर्ती लेखकों में मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक, ब्रजकिशोर नारायण कृत नंदन से लंदन, नंदन से नंदन 1957 प्रभा द्विवेदी कृत हजा यहाँ 1958 डॉक्टर रघुवंश कृत हरी घाटी 1963 तथा धर्मवीर दया आदि दया की आदि रचनाओं की अधिक चर्चा हुई है। इसी क्रम में निर्मला निर्मल वर्मा डॉक्टर चीड़ों पर चांदनी 1967 अपने एक अनुभव है। इसमें वस्तुओं और अतिरिक्त अनेक यूरोपीय देश में की कलात्मक उपलब्धियों का जो आकलन किया विस्मरणीय विस्मयकारी है। पिछले 34 वर्षों में हिंदी का यात्रा साहित्य और समृद्ध हुआ है संपादन बढ़ा। हमारे साहित्य का रूस चीन जापान अफ्रीका तथा यूरोप 1953 ब्रजकिशोर नारायणकत नंदन पार उत्तरी कहाँ जइयो 1958 डॉक्टर भारती लिखित यादव यूरोप की आदि वर्माकर चीड़ों पर चांदनी 1964 स्थितियों के अतिरिक्त अनेक यूरो गया है वह विस्मयकारी है। वन्य देशों से हमारा संपर्क बड़ा है। देशों के साहित्यकारों तथा साहित्य और कला के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां में अधिक दिलचस्पी लेने लगे है। सांस्कृतिक यात्राएं भी अब अधिक होने लगी है। इन कारणों से हमारे साहित्यकारों को विदेश भ्रमण की सुविधाएं मिलने लगी है। फलस्वरूप यात्रा व्रत भी अधिक लिखे जाने लगे हैं। सन 1968 ईस्वी से लेकर 2011 ईस्वी तक अनेक उल्लेखनीय यात्राएं प्रकाशित हुई है। मेरी यात्राएं 1970 दिनकर रूसी सफरनामा 1971 बलराज साहनी प्रवासी की यात्राएं 1972 डॉक्टर नागेंद्र गांधी के देश से लेनिन के देश में 1973 शंकर दयाल सिंह अपोलो का रथ 1975 श्रीकांत वर्मा खंडित यात्रा 1975 और कश्मीर रात के बाद 1997 कमलेश्वर धुंध भरी सुर्खियों 1979 दर्थों के पार शाम 1980 झूलती जड़े 1990 और परतों के बीच 1997 गोविंद मिश्र धरती लाल गुलाबी चेहरे 1982 का नया लाल नंदन ज्योति पुंज हिमालय 1982 और हम सफर मिलते रहे 1996 विष्णु प्रभाकर
स्पीतियों में बारिश 1982, किन्नर धर्मलोक 1983 और लद्दाख में राग विराग 1983 कृष्णनाथ की है। सफरी छोले में 1985 ईस्वी और यहाँ से कहीं भी 1997 वे अजीत कुमार हवा में तैरते हुए 1986 राजेंद्र अवस्थी पत्रों की तरह चुप 1987 हिंदू जैन सौंदर्य की नदी नर्मदा 1992 अमृतलाल बेगड़ तना हुआ इंद्रधनुष 1990 भोर का सपना 1993 ईस्वी और पड़ोस की खुशबू 1999 रामदर्श मिश्र यात्रा चक्र 1995 धर्मवीर भारती साबजा पत्र कथा कहें 1996 शिवप्रसाद सिंह यूरोप में अंतरयात्राएं 1996 कर्ण सिंह चौहान एक बार आयोपा 1996 मंगलेश डबरा नए चीन में 10 दिन 1996 गिरधर राठी लिबर्टी के देश में 1997 सीतेश आलोक उसकी है आधी रात का सफर 1998 वल्लभ डोभाल यातना शिविर में 1998 ऋषि हिमांशु जोशी आत्मा की धरती 1999 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी एक लंबी छा 2000 रमेश चंद्र शाह अमृत नर्मदा 2000 अमृतलाल बेगड़ जापान में कुछ दिन 2003 डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल कितना अकेला आकाश 2003 नरेश मेहता जहां फवारे लहू रोते हैं 2003 ईस्वी नासिरा शर्मा अंतहीन आकाश 2005 डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और यात्राएं 2005 गोविंद मिश्र आंखों देखा पाकिस्तान 2006 कमलेश्वर क्या हाल है चीन के 2006 पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र 2006 मनोहर श्याम जोशी घर से घर तक 2008 डॉक्टर रामदर्श मिश्र यादव के रची यात्रा 2009 डॉक्टर पूर्ण चंद जोशी पुष्किन के देश में 2010 महेश दर्पण का है मोहन जद्रो 2011 ओम थानवी सफारी झोले में कुछ और 2011 अजीत कुमार नील नदी की सावित्री 2011 ललित सुरजन खरानामा 2012 पंकज विष्ट रास्ते की तलाश में 2012 ईस्वी पाकिस्तान का मतलब क्या 2012 असगर वजाहत वह भी कोई देश है महाराज 2012 ईस्वी नलिन यादव की है कहानी सुनाती यात्राएं 2012 और कुसुम खेमानी की है अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय मन 2012 डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है ये जो पाकिस्तान 2012 शिवेंद्र कुमार सिन्हा चल हंसवा देश 2013 एकांत श्रीवास्तव आदि कृतियां इस विधा की उपलब्धियां मानी जा सकती हैं अनेक आता पात्र पत्र पत्रिकाओं में जाने कितने यात्रा वृत्तांत बराबर प्रकाशित हो रहे हैं यात्रा वृत्तांतों में हम दृश्य स्थितियों यात्रा वृत्तांतों में दृश्य स्थितियों व्यक्तियों और आधुनिक तकनीक की ज्ञान के बल पर निर्मित विविध विस्मयकारी परिदृश्यों तथा अनेक प्रतिलेखक की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ साथ परिचित रात चलते हैं लेखक की रुचि
संस्कार, मानसिकता और स्वदेश स्वदेह संवेदनशीलता के अनुसार यात्रा व्रतों तो कार हमारी राग चेतना को निरंतर उद्वेलित करते चलते हैं। यात्रा व्रत लेखक के सह यात्रा का सुख अनुभव करते हुए हम अपनी जिज्ञासा दृष्टि तो करते ही है उसकी का साक्षात्कार भी करते हैं। कोई भी रचनाकार सीधी सपाट रेखा में सृजन नहीं करता, तंत में भी वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही कविता, कथा, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी कभी अलग अलग और कभी एक साथ संश्लिष्ट रूप में भरता चलता है। पाठक के रूप में उसके साथ चलने चलते हुए हम इन विधाओं का स्वागत भी लेते चलते हैं। उपर्युक्त लेखकों में श्रीकांत वर्मा, अजीत कुमार, इंदुजैन आदि के वृत्तांतों में दृश्यों के साथ ही हमें कविता पढ़ने का सुख भी मिलता है। दिनकर और नगेंद्र के यात्रा वृत्तांतों में देश प्रेम की मानसिकता से प्रेरित आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं हमारा ध्यान आकर्षित करती है। बलराज साहनी के यात्रा वृत्त में रूस की धरती की गंध के साथ ही उसकी उपलब्धियों के प्रति सम्मान का भाव भी लक्षित होता है। शंकर दयाल सिंह और कन्हैयालाल नंदन के यात्रा वृत्तों में शब्द प्रभाव के साथ बहते हुए दृश्य की लय हमें मुग्ध करती है। कमलेश्वर के वृत्तांतों में कश्मीर की जनता के दुख दर्द और उसकी मानसिकता को दर्ज कराने की ईमानदारी कोशिश हमें प्रभावित करती है। यहाँ हम उन्हें एक सच्चे पत्रकार के रूप में देखते हैं। गोविंद मिश्र के लिए प्रकृति के मुख्य सौंदर्य का आकर्षण प्रमुख है। प्रकृति की गोद में उन्हें वही अनुभूति होती है जो सिद्धार्थ की गोद में आहत पक्षी को हुई थी। अनेक यात्रा व्रत इस अनुभूति को शब्द देने के प्रयास में लिखे गए हैं। विष्णु प्रभाकर को वह सब कुछ आकर्षित करता है जो सहज, मुक्त और निरावृत है। इसलिए एक और उन्हें हिमालय का मुक्त नैसर्गिक सौंदर्य अपनी ओर खींचता है तो दूसरी ओर हमसफरों का मकनशील और अटपटा प्रेम। कृष्णनाथ के यात्रा व्रत हमारे संस्कृति बोध के को विस्तार देकर हमें भीतर से समृद्ध करते हैं। राजेंद्र अवस्थी के यात्रा वृत्तांतों में हमारी जिज्ञासा की तुष्टि तो होती ही है, हमें कथा रस का आनंद भी मिलता है। रामदर्श मिश्र एक अत्यंत संवेदनशील और मूल्य चेतना रचनाकार है। उनके यात्रा वृत्तांतों में हमें अनेक जगह कथाकार और स्वाभिमानी कवि व्यक्तित्व दोनों का साक्षात्कार एक साथ करते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र भारती जितने सहज पत्रकार थे उतने ही सहृदय कवि भी थे। मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था रखने वाले उनकी कवि ने कहीं भी उनका साथ नहीं छोड़ा। चाहे वे मानसिक के नैसर्गिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हो, चाहे बांग्ला मुक्त संग्राम की भविष्यिका का अंकन। कवि और पत्रकार का सह अस्तित्व उनके यात्रा वृत्तांतों की सबसे प्रमुख विशेषता है। श्री कृष्ण कर्ण सिंह
चौहान और सीतेश आलोचक की यूरोप यात्राएं ज्ञानवर्धक के साथ हमारी संवेदना को विस्तारनाक कारण उल्लेखनीय है। शिव प्रसाद सिंह उच्चतर मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित एक सहज श्रमशील रचनाकार थे। उनकी सजग मूल्य चेतना और संस्कृति चिंता उनके यात्रा वृत्तांतों का औरों से अलग करती है। कवि मंगलेश डबराल ने सन 1991 में अंतर्राष्ट्रीय राइटिंग प्रोग्राम के सिलसिले में अमेरिका स्थित आयोवा विश्वविद्यालय में जाने का अवसर मिला था। ना इस अमेरिका यात्रा का अपने अत्यंत रोचक वर्णन किया है। अमेरिका के आधुनिक सलाह और साहित्य चेतना के संबंध में आपकी बेबाक समीक्षा टिप्पणियां इस सका प्रमुख विशेषता है। वल्लभ डोभाल का आधी रात का सफर एक संस्मरण है, स्मरणीय बनाया जाता है। अत्यंत साहसी घटना वर्णन, गांवों के प्रति गहरा लगाव, शहर की यांत्रिक की प्रति वितृष्णा और आद्योत्पान्त कतहल को जगह है रखने वाले व्यंग्य गर्भित शैली का उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। हिमांश जोशी ने यातना शिविर शीर्षक से अंडमान निकोबार सेलुलर जेल की कथा लिखी है, जिसमें अदम्य भारतीय क्रांति वीरों को रखकर उन्हें प्रकार की पाशविक यातनाएं दी जाती थी। वीर सावरकर, जगदीश चंद्र, सतीन्द्रनाथ सान्याल, सरदार आदि वीरों को दी गई यातनाओं को पढ़कर आज भी हमें रोमांच होता है।